आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे को 5 साल अल्लाह के करम से यहाँ पर मैं मेरे दिल को भी सेटिस्फेक्शन है कि मेरे हाथ से कोई ऐसा गलत काम हुआ नहीं। अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि यहाँ पर वक्फ बोर्ड में जो काम चला है 5 साल में, जो डेवलपमेंट हो या इंक्रोचमेंट है, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वक्फ ट्रिब्यूनल के केसेस वगैरह जो जो भी थे, और जो भी कैंसर पेशेंट, लीवर, हार्ट, किडनी, अपाश और बस बेवायों को भी, वीडियोस को भी, और जो भी इमदाद की गई यहाँ से गरीब गुरबा के लिए भी, मैं अल्लाह का लाख लाख एहसान शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को जो है ना अल्लाह ताला एक ज़रिया बना के यहाँ पर काम लिया मेरे को। और सीएम साहब का भी, मैं केसीआर साहब का भी, केटीआर साहब का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि वो लोग मेरे को, जबकि 2 साल में ही जो है ना एमएलसी जाने के बाद लोग जो है ना केसेस डाल दिए थे कि यहाँ पर नहीं बैठना बोल के, मगर सीएम साहब, केटीआर साहब इसके ऊपर सीरियस थे और अल्लाह ताला का भी बहुत बड़ा करम था ऊपर से कि यहाँ पर मेरे को पूरे 5 साल कंप्लीट कराए। लोग जो लैंड ग्रैबर थे, जो जो लोग थे केसा डाल के जो है ना मेरे को हटाने की कोशिश करे, मगर अल्लाह ताला नहीं हटाना चाह रहा था और एक ज़रिया सीएम साहब को, केटीआर साहब को बनाया था, वो लोग भी जो है ना रहना बोल के थे और गवर्नमेंट की सपोर्ट से मैं जो काम करा हूँ मेरे को सेटिस्फेक्शन है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। और हमारे मेंबर्स भी सब मिल के साथ दिए, इसमें कोई दोराई नहीं है। और अल्लाह का एहसान ये है कि यहाँ पर जो काम हुआ, मैं बड़ी बात तो नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि कोई भी बोलेंगे कि इन्हों चेयरमैन थे, इन्हों बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम जो काम करें, इंडिया के कोई भी बोर्ड में जाके मालूम कर सकते कि ये स्कीमा है क्या यहाँ। गवर्नमेंट के स्कीम्स तो बहुत है, गवर्नमेंट के स्कीम्स के अलावा भी जो है वक्फ बोर्ड की इनकम जनरेट करके वो पैसा जो है ना, जो लोग वक्फ करके गए थे, जो गरीबों को काम आना बोल के, वो स्कीम कभी भी कहीं भी इंडिया की लेवल, इंडिया लेवल में कहीं नहीं हुई, ना TDP के पीरियड में, ना BJP के, ना कांग्रेस के, ना किसी के पीरियड में, कहीं भी बीजेपी इंडिया लेवल में नहीं है। जहाँ भी वक्फ बोर्ड है ठप पड़े हुआ है इंडिया में, मगर यहाँ का वक्फ बोर्ड अल्लाह का एहसान है, गवर्नमेंट की सपोर्ट से जो है ना, हम KCR साहब की सपोर्ट से, और अल्लाह का करम ये रहा कि मतलब हर टाइम सपोर्ट रही। कई बार मेरे को हटाने का ये करे सब लोग केसेस डाल के करके, मगर नहीं हटा सके वो लोग, क्योंकि जब तक अल्लाह ताला जिसको रखना चाहता उसको कोई भी छीन नहीं सकता उसको। यही नहीं, हमारे कारोबार में भी कंपटीशन बहुत रहता, जमात वालों में भी रहता, सब लोग करते मतलब, मगर मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा आज तक भी। मैं 13 साल की उम्र से कारोबार, बिजनेस में और पॉलिटिक्स में हूँ। मैं 40 साल की एज हो गई है, 40 साल से जो है ना पॉलिटिक्स, बिजनेस, आई एम सेल्फ मेड। तो अल्लाह का एहसान ये रहा कि अल्लाह ताला जो है हर काम लिया मेरे से, मगर आज भी हम जितना काम करते पर्सनल भी हम जो है ना 30% गरीब गोरबा में निकालते हैं, उसको हम शो ऑफ नहीं करते उसको। क्योंकि रहा वक्फ बोर्ड का सवाल, वक्फ बोर्ड में जो है, जो लोग बोल रहे थे कि अपने लोगों को भी किराए पे दे दिए होंगे, ऐसा करे होंगे, एक साइन भी अगर कोई बता दिया तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी डोनेट कर देता हूँ भाई। जो लोग जो बताए ना मतलब कि ऐसा है वैसा है, अरे एक तो बता दो, क्योंकि सरकार के भी दौर में शैतान, इबलीस सब लोग थे जब भी, तो सरकार को कुछ नहीं कर सके। अल्लाह का करम ये, सरकार के सदक़े में और अल्लाह के करम से अपने को कोई यहाँ पर एक चुमटी बराबर भी नहीं बता सकते कि सलीम ये गलत साइन करके गलत काम कर दिया बोल के। और इससे पहले भी मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन था दोनों स्टेट का, 4 साल था, 35 करोड़ रुपए डिपॉजिट करके गया था। फिर जब 10 साल के बाद फिर हमारे को जो KCR साहब लेके आके बिठाए, तो जब आया तो यहाँ पर तनख्वाह देने भी पैसे नहीं थे, सब पैसे खर्चे में आए, क्या करें लेवल। और दूसरे वक्फ बोर्ड जितने भी है इंडिया लेवल में, गारंटी नेट से वक्फ बोर्ड चलता हर जगह इंडिया में। अल्लाह का करम ये रहा, यहाँ का वक्फ बोर्ड यहीं पर इनकम जनरेट करके, इतने प्रॉपर्टी है उसको जनरेट करके जो है ना, हम लोग अल्लाह के करम से सैलरीज भी दिए, पूरे महीने को 1 करोड़ 1.25 करोड़ का खर्चा है, 5 साल में सैलरीज भी दिए,
काम भी करे, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट रही, पुलिस की भी सपोर्ट रही हमारे को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी सपोर्ट रही, जीएचएमसी की भी सपोर्ट रही, पूरों से केटीआर साहब, केसीआर साहब कभी भी कुछ भी बोले तो वो लोग इमीडिएट एक्शन में आके हमारे काम को बराबर आगे बढ़ के सपोर्ट करते थे हमारे को। और अल्लाह का करम ये रहा कि 5 साल में जब कोविड चला 2 साल तो जो है ना ऑफिसों को जो है ना कोई कई लोग आना आते ही नहीं थे, मिनिस्टर हो, ऑफिसर्स हो, कोई भी हो, बहुत सारे लोग। मगर अल्लाह का करम ये रहा कि अल्लाह मियाँ डेली मैं भगपोट में था, मैं कोई दिन लगा नहीं था, डेली भगपोट आके 2-3 घंटे क्यों होते, 2 घंटे क्यों नहीं होते, आके यहाँ पर काम अंजाम देके कहाँ पर क्या हो रहा, किधर क्या हो रहा देख के हम फिर अपन जाते थे घर। तो अल्लाह का एहसान ये है। और जितने हम लोग जो प्रॉपर्टी हासिल भी जो करे, सालार औलिया का जो है केस डाल दिए थे ये लोग, वो प्रॉपर्टी जो है बड़े बड़े लोग कब्जा करे हुए थे, यहाँ हार गए तो हम सुप्रीम कोर्ट जाके जो है स्टे लेके आके रुका है इसको। गुट्टाला बेगमपेट में भी जो है कई कार के कारखाने हुए डाल लेके जो है ना इंक्रोच करके बैठे, तो हम लोग कई बाउंड्रीज को हम लोग तोड़ने लगा है, फिर वहाँ पर कब्जा करके ये करे लैंड ग्रावर्स हुए, तो हम लोग सीरियस जो है ना चीफ जस्टिस के बेंच पे है केस इंशाल्लाह ताला। वो भी हम आप लोग समझ रहे होंगे वकबोर्ड चेयरमैन का टाइम होगा चले गए, ऐसा नहीं है। चेयरमैन ये गवर्नमेंट का पोस्ट है, अपना जाती पोस्ट नहीं है। 5 साल कंप्लीट करके जा रहे अल्लाह के करम से, मगर चेयरमैन नहीं रहेंगे, मगर वफ का सिपाही तो रहूँगा मैं कभी भी इंशाल्लाह ताला। वफ को जो है ना डैमेज होने नहीं दूंगा। और जितने लैंड ग्रैबर है समझ रहे होंगे कि मैं चेयरमैन नहीं है, तो चेयरमैन से ज़्यादा पावरफुल है हम हमेशा अल्लाह के करम से। चेयरमैन तो एक हिसाब में रहता, चेयरमैन से ज़्यादा काम करें हम यहाँ पर, मिनिस्टर का भी काम करें हम अल्लाह के करम से, सीएम साहब की सपोर्ट लेके जो है ना अल्लाह ताला की मदद से जो है हम बहुत काम करें यहाँ पर। खैर कोई भी कुछ भी बोल लो, वो तो मुखालिफिन तो रहते बोलने वाले, कई लोग मेरे खिलाफ़ में व्हाट्सअपों पर चलाए, वो चलाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीएम करें, सीएम साहब करें भी कंप्लेन करें, बहुत से चीज़ें चले, मतलब उससे मेरे को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पोस्ट का देने लेने वाला अल्लाह ताला है, उसके बाद में सीएम साहब एक जरिया है। सीएम साहब दिए भी तो हम खुश हैं, नहीं दिए भी तो खुश हैं, हाईकमान है, हाईकमान के आर्डर पे हम चलेंगे, नहीं भी बोले तो पार्टी का काम करेंगे अल्लाह के करम से, ऐसा कुछ नहीं। और फलाही बहबूद का काम जारी रहेगा। और अल्लाह का करम ये है, मेरे पास कुछ जो है 3,000 आदमी काम करते अल्लाह के करम से, समझे, बड़ी बात नहीं करता मैं, क्योंकि मैं लो प्रोफाइल लेके चलता हूँ, क्योंकि ये वफ का मामला था। बल्कि सुबह मैं घर से निकल के सीधा वफ बोर्ड को आता था, मैं वफ बोर्ड का काम अंजाम देके यहाँ से उसके बाद मेरे ऑफिस को जाता था मैं दोपहर के बाद 2:30-3 बजे जो भी टाइम जाते थे हम सुबह आने के बाद, सुबह से दोपहर तक काम या अंजाम देके जाते थे हम, क्योंकि हम ये सोचे कि भाई ये अल्लाह की अमानत है, इसको प्रोटेक्ट करना हर एक का फरीजा है, इसमें अपना भी फ़र्ज़ है। ये नहीं कि अल्लाह मियाँ पैसा दिया तो अपनी अपने हाथ से बल्कि नहीं देता अल्लाह मियाँ, अपने पड़ोसी को भी देखना है, अपने गरीब गुरबा को भी देखना है, रिश्तेदार को भी देखना है, सबको लेके चलना है। ये नहीं कि पैसे अपने को दिया अल्लाह मियाँ, अपन अपने बच्चे, मैं मेरे बच्चे मेरी बीवी बोले तो नहीं होता। तो अल्लाह का करम है, कहे लोग अब से नहीं 40 साल से फेल करने की कोशिश करें, बचपने से आगे बढ़ने नहीं दिए, मगर अल्लाह ताला यहाँ पर लेके आ लिया। आज अल्लाह का करम है, इंडिया में जो है ना बड़ी बात से तोबा, अल्लाह का करम है, पूरा इंडिया जानता। और इंडिया में बिजनेस में लेदर के उसमें नंबर 1 में है आज भी इंडिया में अल्लाह के करम से, समझे आप। एक टाइम तो ये था कि इंडिया में लेदर का मार्केट हम खोलते थे भाई, आज अल्लाह का एहसान है, वही टाइम हम पूरा वकबोर्ड में दिए, फलाही बहबूद के कामों में है, और आने वाले टाइम में भी हम अल्लाह चाहे तो वफ का काम बराबर, कोई गलती करा तो बराबर रुकाएंगे, सीएम साहब से भी नुमाइंदगी करके बराबर ये करेंगे, हम बराबर रुकाएंगे, क्योंकि केसेस भी जो है पूरा मॉनिटर करेंगे। आज 2 टाइम मैं चेयरमैन बना, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मियाँ बाद में भी मौका दिया, तो बाद में भी हम पहले भी गलती नहीं करे कभी, ये टाइम पे भी गलती नहीं करे, बराबर ऑफिसर्स रहो कोई भी रहो, बराबर डांट के काम लिए बाजाबता कोई भी रहने दो, कुछ भी माइंड करने दो, मगर अल्लाह की अमानत में खयानत नहीं कर सकते बोल के हमारे को वही तकलीफ रहती थी हमेशा, और आज भी वही है हमको। और मैं किसी से डर के उन्हों क्या बोलते कि इन्हों क्या बोलते कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी करने वाला ऊपर वाला है, जब तक ऊपर वाले की नज़र रही जब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। जब अल्लाह ताला
हाथ अल्लाह ताला अपने खिलाफ है तो जब कोई भी मिलके सपोर्ट करे तो कुछ भी सपोर्ट होने वाली नहीं है। अल्लाह की सपोर्ट रहना है, अल्लाह की सपोर्ट से अपन यहाँ तक करे। सीएम साहब और केटीआर साहब का भी मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुनाफिक को जो है ना और शैतानों को जो है ना अल्लाह मियाँ हराए कभी भी मेरे पास कोर्टों में हर जगह जो मेरे खिलाफ़ में जो जो भी गए अल्लाह उनको अच्छा रखे, मगर कभी भी सलीम से ये करके आगे नहीं जा सकते क्योंकि भाई अल्लाह की डोरी पकड़ के चलता हूँ। भाई कोई शैतानों के काम आ हुआ फालतू चीज़ों में नहीं जाता। अल्लाह जिसके साथ रहता अल्लाह की डोरी जो पकड़ता उन्हें कभी फेल हुआ ही नहीं ज़िंदगी में, समझे। अब पोस्ट तो क्या है, आता जाते रहता, ये ज़ाती काम नहीं है। गवर्नमेंट जिसको भी चाहे बिठा सकती, सीएम साहब जिसको चाहे ये कर सकते, ये नहीं कि पोस्ट पे कंटिन्यू बैठो आप सब लोग आप रहे के नहीं आप बीच आ रहे वाला भाई वैसा नहीं रहता। हाईकमान जिसको चाहे उसको बिठा सकते। अब अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह मियाँ। अब इससे पहले एक मिसाल देता हूँ आपको, भाई किशन रेड्डी साहब थे बीजेपी के MLA को हार गए ना, हारे ना। उसके बाद में क्या हुआ, फिर MP इलेक्शन आया, MP बन के जो है ना फिर सेंट्रल मिनिस्टर बन के और आगे निकल गए कैबिनेट में आज। ये अल्लाह की नवाजिश है, किसको भी कोई बंदा बोल रहा कि मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, मैं ही बोले तो मैं का घर खाली। कभी भी कोई किसी को कुछ दे सकता ना ले सकता सिवाय अल्लाह के, जब तक अल्लाह ताला जो चाहे कर सकते। अल्लाह मियाँ मैं अल्लाह पे भरोसा है कि मैं कभी भी फेल नहीं हुआ ना हूँगा भी नहीं ज़िंदगी में, जब तक सांस है इंशाअल्लाह ताला वफ का सिपाही बन के रहूँगा। और जहाँ पर भी धांधलियाँ हैं पूरे हर चीज़ की नॉलेज है मेरे को, हम ये बराबर CM से नुमाइंदगी करेंगे, जो भी मिनिस्टर रहेंगे उनसे करेंगे, चेयरमैन CO स्पेशल ऑफिसर सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी DG कमिश्नर पुलिस जहाँ बोले वहाँ पर हम पहुँच के जो है ना वफ को कैसा सपोर्ट कर सकते, वफ प्रॉपर्टियों को कैसा बचा सकते, हम बराबर ये करेंगे भाई। क्योंकि किसी के बारे में बोलना नहीं चाह रहा हूँ, कोई भी होंगे वक्त आने पे एक एक चीज़ ऐसा पेपर के साथ बताऊँगा भाई, समझे आप। मगर अल्लाह का करम ये है, मेरी आवाम से भी अपील है कि आप लोग जहाँ जहाँ वफ प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा बराबर जो भी चेयरमैन रहेंगे आप आइए यहाँ पर कंप्लेंट करिए, यहाँ पर जो है CO भी रहेंगे उनको भी कंप्लेंट करिए। अगर नहीं सुने तो आप मेरे को बोलिए, आप इंशाल्लाह ताला मैं ऊपर तक CM तक जो है ना इसका कार्रवाई को खामोश नहीं बैठेंगे हम, और जो केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में भी है उसको बराबर मॉनिटर करेंगे हम भी। पोस्ट पे रहना ज़रूरी नहीं है, आप भी कर सकते, आप भी कर सकते, सब कर सकते। वफ को बचाना है तो हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वफ को जो है ना फॉलो करना हर एरिया में, जहाँ जहाँ भी तेलंगाना स्टेट में वफ प्रॉपर्टी है, तेलंगाना से हट के पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ भी वफ प्रॉपर्टी डैमेज हो रही वहाँ पर सब लोग मिलके जो है ना बचा सकते हैं। और सबसे मेरी अपील है पुलिस की सपोर्ट लो और रेवेन्यू की सपोर्ट लो और वफ की सपोर्ट लेके जो है ना लैंड गिराओ इनका बाजा बजाओ। अब ज़्यादा सवाल वापस आते जा रहे हैं, ऐसा लिख रहा उनके चाचा का वक्फ बोर्ड है, वक्फ प्रॉपर्टी उनके चाचा का। वक्फ बोर्ड जो है जवाब आया नहीं है, वक्फ बोर्ड जो है एक सेंट्रल एक्ट है। वक्फ जो है ना ये 13 अमेंडमेंट जो एक्ट आया उसके हिसाब से जो है ना वक्फ बोर्ड बनता है। CM साहब कुछ मेंबर्स डालते हैं, 5 मेंबर 6 मेंबर ये वो तो आप लोगों को मालूम है जी। कब आएगा लैंड ग्रैबर्स के बारे में आप बोले? नहीं वो तो पेपरों में भी दिए ना, हम कई बार दिए, समझे आप, कई बार मीडिया को भी बोले, कई बार ये करे और कई बार हम खुद स्पॉट पे जाके बचाए। अब ये मीर महमूद की जो 16 एकड़ जो है तोड़ रहे नहीं थे, मतलब शीट वीट मार दे के पूरा कवर कर लिए थे, कोर्ट से भी आर्डर ला के मैं खुद फजर के साथ ये खयूम खां लोग हमारे पूरे ऑफिसर जाके पुलिस की ले लेके जो है ना पूरा JCP लगा के डिमोलिश करे हम लोग। नाम नाम इधर सुनो, किसी एक का नहीं बोल सकते ना, वो नहीं नहीं हाँ वो तो आप लोगों को मालूम है कौन है क्या है, एक का नाम नहीं बोल सकते ना वैसा, चार पांच भी नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो जब पूरा एक लिस्ट दे देंगे आपको निकाल के, वो लिस्ट पूरी बन रही हो। आज का क्या है अपना डेवलपमेंट का बताने के लिए मीटिंग रखे अपन, आज क्या डेवलपमेंट करे अपन 5 साल में, हाँ तो वो भी बताएंगे ना वक्त। अरे बताएंगे जी क्या, अभी चले आ रहा हूँ मैं हैदराबाद छोड़ के,
यही जो हैदराबाद में हैदराबाद में लेकिन सीट पे नहीं है, सीट पे है वो। नहीं 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 सीट पे हमेशा है अपन, सुने आप वो छोड़ दो, आप सीट मेरी ये सीट को छोड़ दो, आप ये सीट की बात नहीं है, हमेशा सीट आपकी रहती है ऐसा है। एक मिनट था बोलने दो, नाम नहीं बताने के लिए कुछ प्रेशर है क्या था? एक मिनट नाम किसी के भी बता के फायदा नहीं है। वो जो केसेस चल रहे क्रिमिनल केसेस बुक करे वो आपको दे देते हैं, आप लोग आप देख लीजिए उसको। हार जीत तो जो है कोर्ट, इधर सुनो आप एक मिनट सुनिए साहब, एक मिनट नाकाम वक्फ नहीं रहता, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जज नहीं रहता सुप्रीम कोर्ट का। वक्फ बोर्ड जो है ना जितनी कोशिश करना है सीनियर एडवोकेट्स को लगा के, 15-15 एडवोकेट्स को लगा के हम लोग जो है ना हमारी चीज़ हासिल करने की करें, मगर अभी रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं हम लोग। सारा रे ओलिया का खामोश नहीं है, कोई भी खामोश नहीं बैठे। सेकेंड डे जैसा जजमेंट आया इमीडिएट जो है यहाँ बुला के हम लोग मीटिंग लिया, पर स्टैंडिंग काउंसलों से सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से जो है ना ऑनलाइन बात करके, पेपर में भी आया, सियासत वगैरह में देखे होंगे आप, समझे? मैं जज नहीं हूँ ना भाई फैसला देने के लिए। तो फिर हुसैन शाह वाली में हाईकोर्ट में जीते वाले सुप्रीम कोर्ट हारने की वजह क्या है? सुप्रीम हाईकोर्ट में जीते तो लोग सुप्रीम कोर्ट गई, अपोजिशन पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जो है ना, अपोजिशन कौन है? अरे सो भाई पूरे कितने लोग हैं, क्या एक एक का नाम बोलिए? आप जिसके तहत हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमत को आपके अपोजिट होता है, कैसा करेंगे? इधर सुनिए आप, हुकूमत ये किसी का एक का नाम नहीं बोल सकते, वहाँ पर जो है कई लोग हैं और हम लोग खामोश नहीं है, उसको रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं उसको। हारा किससे? 10-15 पार्टियों में। अरे हारा कहाँ जी है, बिहार का किसको बोलते हैं? एक मिनट, फैसला वैसा नहीं है, तुम ला पढ़ो पूरा। टेक्निकल जजमेंट दिया उन्हें, कुछ कंपनसेशन देना बोल के दिया कुछ, क्योंकि बिल्डिंगा बन गए सो है, कुछ बिल्डिंगा बन गए सो जगह जो है ना पैसा वक्फ बोर्ड को देना बोल के अलग अलग है वो। अब उसको डिटेल में समझाए तो नेक्स्ट उसमें बताएंगे आपको, समझे? अलग अलग कैसा है फैसला? तो एक ही है ना, फैसला तो एक ही आया, उसके अंदर या तो गवर्नमेंट के फेवर में चलेगा, उसमें जो है तो अलग अलग कैसा दिया? इधर सुनो आप, 3-4 टाइप में फैसले हो, सुने अब, अभी वो फाइनल नहीं है। हम लोग उसलिए क्या करें, सेकेंड डे रिव्यू पिटीशन डालेंगे बोल के हम लोग डिसीजन ले लिए और उसका काम भी चल रहा रिव्यू पिटीशन डालने का, फिर अपील को जा रहे हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट। हाँ नहीं नहीं नहीं, उसमें सीनियर वकीलों को भी ला रहे हैं और सीनियर को भी ला रहे हैं। इसके ऊपर वकील कितना पैसा खर्चा करा होते हैं वकीलों पे, उस पर वो देखना पड़ता है अकाउंट में, कल आओ आपको देते लिस्ट कितने पैसा खर्चा। हमेशा सीट आपकी रहने का राज क्या है? अरे मेरा बिजनेस नहीं है, मेरी सीट नहीं है, बिजनेस ये वक्फ बोर्ड की किसी की जाति नहीं है ना जी, आज है कल नहीं है कल, मैं इससे पहले भी बोला, मगर एक दिन भी रहे तो हम गलत काम मेरे से हुआ तो एक साइन लाके मेरी बताओ, बोला मैं कभी भी किसी को बगैर उसके दे दिया या कुछ लैंड दे दिया पैसे दे दिया कुछ, कोई भी साइन है तो ला मेरी गलत बोल के बोला मैं। नहीं आप गलत है, लेकिन एक बात ये बोलिए, आपकी आंखों के सामने नाना बाग की मस्जिद के बाजू प्रॉपर्टी कब से एक मिनट ठहरो जी, हम तो केसा भी डाले क्रिमिनल केसा भी बुक करे, वहाँ पर जो है TDP के दौर से कांग्रेस के दौर से TNGA के दौर से कब्जे है वहाँ पर, मोर मेडिकल कब से है, तुम पैदा भी नहीं हुए थे जब से हो, हम भी पैदा नहीं हुए थे, समझे? ये सब बेकार बात है, पहले से कब्जे पहले से लोग धांधलियाँ करे हुए, अब मैं आके जो है ना मैं जज तो नहीं होना फैसला देने, कैसा पेंडिंग है मतलब 2800 और सीनियरों को रखे, देखो जाके आप, चलिए।